नमस्कार। खबर दुनिया में आज बात करेंगे YouTube मुख्यालय पर हमले के बाद सुंदर पिचाई के भावुक संदेश की, चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की, क्यों हुई मैन बुकर पुरस्कार की आलोचना और जाने से पहले क्या तोहफा दे गए स्टीफन हॉकिंग। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में बात करेंगे एक तलाश की जो 24 साल बाद पूरी हुई और भी बहुत कुछ। तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है, मैं हूं सर्वमित्रा। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन ब्रूनो में यूट्यूब मुख्यालय में गोलीबारी की घटना से सभी स्तब्ध हैं। इस घटना में एक की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध महिला हमलावर ने मंगलवार को यूट्यूब मुख्यालय परिसर में कई लोगों को घायल कर दिया और उसके बाद संभवतः उसने खुद को गोली मार ली। इस घटना के बाद यूट्यूब की पेरेंट कंपनी गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक भावुक लेटर पोस्ट किया है। यूट्यूब मुख्यालय में गोलीबारी की घटना से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई काफ़ी आहत हैं और उन्होंने अपनी टीम के नाम एक भावुक खत लिखा है। पिचाई ने लेटर में लिखा, दोपहर में जब हमारे कर्मचारी लंच कर रहे थे तो ब्रूनो के ऑफिस में शूटर होने की खबर मिली। सुरक्षा टीम ने बिल्डिंग को खाली कराने का काम किया और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। हमारे लिए अच्छी खबर तब आई जब पता चला कि स्थिति नियंत्रण में है। हमारी पूरी नज़र घटना पर बनी हुई थी। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। हम इन लोगों को समर्थन देने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। मैं आप सभी का आभारी हूं जो आपने कंपनी का समर्थन और प्रार्थना की, खास तौर पर सिक्योरिटी टीम का जिन्होंने लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया। मुझे पता है कि आप सभी काफ़ी सदमे में हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं गूगल परिवार के साथ खड़ा हूं और जो लोग घायल हुए हैं उनके घर वालों के साथ खड़ा हूं। आइए हम सब सुजैन और यूट्यूब की पूरी टीम को सहयोग देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर कहा कि कैलिफोर्निया के सैन ब्रूनो में यूट्यूब मुख्यालय में गोलीबारी की घटना की जानकारी मिली। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इस घटना के पीड़ितों के साथ हैं। वैसे एक और ट्वीट में अमेरिकी राष्ट्रपति का दर्द छलका है। यह ट्वीट उन्होंने चीन के साथ चल रहे ट्रेड वॉर पर किया है। दरअसल अमेरिका ने व्यापार असंतुलन के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए चीन के कुछ प्रोडक्ट्स पर शुल्क बढ़ाया, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका के साथ जैसे को तैसा वाली नीति अपनाई और ट्रेड वॉर शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप चीन से 375 अरब डॉलर के व्यापार घाटे में करीब एक महीने में 100 अरब डॉलर की कमी लाने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए चीन राजी नहीं है। व्यापार घाटे को कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई नीति के तहत 23 मार्च से विदेशी स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैक्स बढ़ाया था। यूरोपीय संघ समेत कई देशों को नए टैक्स से छूट दी गई, लेकिन चीन के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई नरमी नहीं दिखाई। अमेरिकी नीतियों के जवाब में चीन ने भी 3 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगाना शुरू किया। चीन के अधिकारी के मुताबिक, हम कारोबारी युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हम इससे बिल्कुल नहीं डरते। चीन ने ऐलान किया है कि वह अमेरिका से आने वाले मांस, फलों, मेवे और अन्य प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगा। इस तरह करीब 3 अरब डॉलर के अमेरिकी प्रोडक्ट्स चीन में महंगे हो जाएंगे। चीन ने अमेरिका पर विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन करते हुए चीनी हितों को नुकसान पहुँचाने का आरोप भी लगाया। चीन ने कहा कि उसने अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत का द्वार खुला रखा है, लेकिन इसके बावजूद यदि व्यापार युद्ध छिड़ता है तो वह इसे अंत तक लड़ेगा। इस ट्रेड वॉर का परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी शेयर बाजार के 3 प्रमुख सूचकांकों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और आगे भी अफरा तफरी मचने की आशंका है। इस बीच अमेरिकी वाणिज्य मंत्री रूस का कहना है कि चीन अमेरिका व्यापारिक विवाद तीसरा विश्व युद्ध नहीं है, यदि व्यापारिक लड़ाई लड़े तो अमेरिका नहीं हारेगा। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसका ठीकरा पुराने नेताओं पर फोड़ते हुए कहा कि हम चीन के साथ व्यापार युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। उस युद्ध को तो कई साल पहले अमेरिका अपने बेवकूफ और बेकार लोगों की वजह से हार चुका है जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब हमारा व्यापार घाटा 500 अरब डॉलर का है, हम इसे जारी नहीं रख सकते। डोनाल्ड ट्रंप केवल ट्रेड वॉर के लिए नहीं बल्कि सीरिया में अमेरिका की सेना की उपस्थिति और उस पर होने वाले खर्च के लिए भी पूर्व नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं और इसलिए वे जल्द ही सेना वापस बुलाएंगे। इधर रूस, टर्की और ईरान ने भी सीरिया पर राजनीतिक समाधान के लिए चर्चा की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेफ तैयब अर्दोगन,
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति हसन रोहानी ने 4 अप्रैल को तुर्की की राजधानी अंकारा में सीरिया समस्या के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और सीरिया समस्या के राजनीतिक हल के लिए कई सहमतियां हासिल की। तीनों देशों के संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि सीरिया समस्या का राजनीतिक हल करना एकमात्र कारगर तरीका है। किसी भी सशस्त्र तरीके से सीरिया संकट को दूर नहीं किया जा सकता है। तीनों देश आतंकियों पर प्रहार करने के बहाने सीरिया में अलगाव करने की कार्रवाई का विरोध करते हैं और सीरियाई प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता की दृढ़ रक्षा करते हैं। साथ ही तीनों देशों के नेताओं ने ये भी कहा कि वे सीरिया को और ज्यादा मानवीय सहायता देंगे। आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन में 2017 के नवंबर सोची शिखर सम्मेलन के बाद तीनों देशों के नेताओं ने फिर एक बार सीरिया मुद्दे पर सीधी वार्ता की थी। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि मध्य पूर्व में अपनी सेना को रोके रखना अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। इससे जितना हमें फायदा नहीं मिलेगा उससे कहीं ज्यादा दूसरे देशों को फायदा मिलेगा, इसलिए हम जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना ने आईएस के खिलाफ सफल सैन्य लड़ाई लड़ी है, हालांकि जल्द उनका प्रशासन सेना को वापस लाने पर गंभीरता से विचार करेगा। राजनीतिक स्थिरता और शांति की तलाश अफगानिस्तान को भी है, जहां एक बार फिर संसदीय चुनाव टल गया है। अफगान स्वतंत्र चुनाव आयोग ने 1 अप्रैल को घोषणा की कि अफगान राष्ट्रीय संसदीय चुनाव और क्षेत्रीय संसदीय चुनाव 20 अक्टूबर तक टाल दिया गया है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अफगान सरकार की मदद और पर्यवेक्षण में इस अप्रैल से अफगानिस्तान के सभी प्रांतों के मतदान केंद्रों में मतदाता पंजीकरण शुरू होगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा मुद्दे के कारण कर्मचारियों ने अफगानिस्तान के करीब 32 क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की स्थापना नहीं की। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने इस बात का स्वागत किया। सहायता मिशन के प्रमुख कामिची यमातो ने कहा कि चुनाव कार्य का विशिष्ट कार्यक्रम बनाना अफगान स्वतंत्र चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण फैसला है। इस विशिष्ट कार्यक्रम के अनुसार अफगानिस्तान में चुनाव कार्य को धीरे धीरे लागू किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान को इसका समर्थन करेगा। तो देखना होगा कि अक्टूबर तक अफगानिस्तान में चुनाव के लिए सुरक्षित माहौल तैयार हो पाता है या नहीं। बढ़ते हैं ब्रिटेन की ओर, जहां मैन बुकर पुरस्कार के आयोजकों द्वारा एक नामांकित की राष्ट्रीयता ताइवान के बजाय ताइवान चीन कर देने पर उसकी आलोचना हो रही है। साहित्य के प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार के आयोजक इस बार राष्ट्रीयता के विवाद में फंस गए हैं। दरअसल आरोप है कि चीन द्वारा दबाव बनाए जाने के बाद उन्होंने एक नामांकित लेखक की राष्ट्रीयता में बदलाव किया। वु मिंग ई इस महीने मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित व्यक्तियों की सूची में शामिल किए गए और उन्होंने ये खबर फेसबुक पर पोस्ट की। पुरस्कार के लिए नामांकित उनका उपन्यास द स्टोलन बाइसिकल आधुनिक ताइवान के इतिहास को दर्शाता है। चीन के इस रुख पर कि ताइवान उसका हिस्सा है, मैन बुकर की वेबसाइट पर उनकी राष्ट्रीयता में बदलाव कर दिया गया। वु ने फेसबुक पर लिखा कि वेबसाइट पर दर्ज उनकी नई राष्ट्रीयता इस मुद्दे पर उनकी व्यक्तिगत स्थिति को नहीं दर्शाती है और वह अपने विचार मैन बुकर को बताएंगे। इस खबर के तुरंत बाद मैन बुकर का फेसबुक पेज आलोचनाओं से भर गया। मैन बुकर ने कहा कि वह ब्रिटेन के विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय से ताइवान पर देश की आधिकारिक स्थिति पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। प्रवक्ता ट्रडा स्प्रेयट के मुताबिक पुरस्कार के आयोजकों ने कहा कि उन्हें पहले सलाह मिली थी कि ताइवान चीन राजनीतिक तटस्थ रूप से सही हैं। स्प्रेयट ने इस बात की भी पुष्टि की है कि पुरस्कार के आयोजक को चीनी दूतावास की ओर से शिकायत मिली थी। हाल के वर्षों में चीन ने विदेशी कंपनियों पर ताइवान को एक अलग देश के रूप में दर्ज नहीं करने के लिए दबाव बनाया है। जर्मनी की एयरलाइन लुफ्थांसा और ब्रिटेन की ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी सूची में दर्ज देशों से ताइवान को हटा दिया है। और अब बात करते हैं सऊदी अरब की, जहां एक बार फिर सिनेमा का जादू चढ़ने वाला है। लगभग 30 सालों बाद यहां फिर से सिनेमाघर आबाद होंगे। सऊदी अरब में 3 दशक से अधिक समय के अंतराल के बाद इस महीने की 18 तारीख को पहला सिनेमाघर शुरू किया जाएगा। देश में पिछले साल उदारवादी कदम उठाते हुए सिनेमा पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया था। सऊदी सरकार के मुताबिक AMC एंटरटेनमेंट को सिनेमाघर चलाने के लिए पहला लाइसेंस दिया गया है। माना जा रहा है कि यह अमेरिकी कंपनी अगले 5 साल में सऊदी अरब के 15 शहरों में 40 से ज्यादा सिनेमाघरों की शुरुआत करेगी। सूचना मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय संचार केंद्र की ओर से जारी बयान के अनुसार AMC राजशाही में पहला सिनेमाघर 18 अप्रैल को रियाद में खोलने की योजना बना रहा है। गौरतलब है कि AMC एंटरटेनमेंट ने दिसंबर में सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया था। 1970 के दशक में सऊदी में कुछ सिनेमाघर थे, लेकिन उस वक्त के ताकतवर मौलानाओं ने इसे बंद करवा दिया था। उम्मीद की जा रही है कि सऊदी में सबसे पहले ब्लैक पैंथर फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। तो सऊदी अरब में ब्लैक पैंथर की दहाड़ गूंजेगी। याद आती है एक और दहाड़ जो नेल्सन मंडेला ने
रंग भेद के खिलाफ लगाई थी। इसमें उनका साथ दिया था उनकी पूर्व पत्नी विनी मंडेला ने, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि विनी मंडेला को सर्वोच्च सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने दिवंगत रंगभेद विरोधी नेता विनी मदिकिजेला मंडेला की विशेष सरकारी अंत्येष्टि सर्वोच्च सम्मान के साथ करने की घोषणा की है। विनी दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद से मुक्ति दिलाने के संघर्ष के अगुवा और देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की पूर्व पत्नी थी। रामाफोसा ने कहा है कि विनी मंडेला की अंत्येष्टि उच्च राजकीय सम्मान की पहली श्रेणी के साथ की जाएगी, जिसमें उन्हें औपचारिक सैन्य सम्मान भी दिया जाएगा। रामाफोसा के अनुसार विनी सर्वोच्च सम्मान के योग्य हैं, जिन्होंने हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान और हमारी लोकतांत्रिक मुक्ति के दौरान देश और मानवता की सेवा की थी। राष्ट्रपति की इस घोषणा के साथ तत्काल प्रभाव से देश भर में और विदेशों में दक्षिण अफ्रीकी दूतावासों में राष्ट्रीय ध्वज 14 अप्रैल की शाम तक आधा झुका रहेगा। बात करते हैं एक और महान हस्ती की अंतिम विदाई की। विख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की पिछले दिनों पूरे सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई और इस मौके पर उनकी इच्छानुसार जरूरतमंदों के लिए ईस्टर का भोज रखा गया। महान भौतिकी वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग दुनिया को अलविदा कहने से पहले अपने गृह नगर कैम्ब्रिज में सैकड़ों बेघरों और जरूरतमंद लोगों के लिए ईस्टर के मौके पर भव्य भोज की व्यवस्था कर गए। 14 मार्च को स्टीफन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को कैम्ब्रिज में किया गया। इसी दिन उनके परिवार ने वेस्ले मेथोडिस्ट चर्च में फोर्ट साइकल्स ईस्टर लंच के लिए दान दिया। सभी मेजों को फूलों से सजाया गया था और एक पर्ची भी लगाई गई थी जिसमें लिखा था, आज का भोज स्टीफन की ओर से भेंट है। फोर्ट साइकल्स के एक अधिकारी एलेक्स कोलिस ने कहा कि स्टीफन हॉकिंग की बेटी लूसी हॉकिंग ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि परिवार दान देगा। परिवार चाहता है कि जब अंतिम संस्कार हो रहा हो तब लोग स्टीफन की ओर से दिया गया गर्मागर्म भोज कर रहे हो। और अब खबर दुनिया रंग बिरंगी से। अपनी खोई बच्ची को ढूंढने के लिए एक पिता ने हर मुमकिन कोशिश की और आखिर में 24 साल बाद उसे ढूंढ निकाला। कैसी थी यह तलाश, आइए देखते हैं। चीन के सिचाओन प्रांत में रहने वाले वांग मिंकिंग और लियू चेंगिंग को 24 साल बाद अपनी खोई हुई बेटी वापस मिली। ये दोनों फल विक्रेता थे। जनवरी 1994 को चेनकदू शहर में उनकी 3 साल की बेटी गायब हो गई थी। इस दंपति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई लेकिन बेटी की कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद बेटी को ढूंढने का जिम्मा खुद पिता ने संभाला और फिर एक दिलचस्प खोज शुरू हुई। खोई हुई बेटी के पिता वांग ने साल 2015 में एक टैक्सी चलाने वाली कंपनी में बतौर टैक्सी ड्राइवर काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने अपनी टैक्सी में बैठने वाले लगभग 4,839 यात्रियों को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई और उसे ढूंढने में मदद मांगी। वांग ने अपनी कार पर गायब हुई बेटी के बारे में एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था। एक पत्रकार की नज़र उनकी कोशिश पर गई और उन्होंने अपने अखबार में इनकी कहानी को जगह दी। इसके बाद फॉरेंसिक आर्टिस्ट लिन यूही ने उनकी बेटी के 2 स्केच तैयार किए जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई कि 24 साल बाद वांग की बेटी कैसी दिखती होगी। 27 वर्षीय कांग इन जो जिलीन में रहती हैं उन्हें ये स्केच अपना लगा, जिसके बाद उन्होंने 16 मार्च को वांग से मिलने का फैसला लिया। इसके बाद हुए डीएनए टेस्ट में इस बात की पुष्टि हो गई कि कांग इन ही वांग मिंकिंग की गायब हुई बेटी हैं। जैसे वांग और लियू की तलाश 24 साल बाद पूरी हुई, वैसा ही सुखांत हर कहानी का हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।